रावण को आमतौर पर लोग उसके बुरे कर्मों के लिए जानते हैं, पर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो एक बहुत ही ज्ञानी और विद्वान ब्राह्मण भी था। उसके बुरे कर्मों का कारण तो उसके पिछले जन्मों का श्राप था, जिससे भगवान राम ने उसे मुक्ति दिलाई। भगवान राम भी रावण की बुद्धि और ज्ञान से काफी प्रभावित थे, इसलिए जब भगवान राम से हारने के बाद रावण मृत्यु को प्राप्त होने वाला था, तब भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहा, इस संसार से ज्ञानी और महान पंडित विदा ले रहा है, तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा लो जो कोई नहीं दे सकता। लक्ष्मण जी ने ऐसा ही किया और रावण के सर के पास जाकर खड़े हो गए, पर रावण कुछ ना बोला। लक्ष्मण जी लौट आए और राम जी से बोले कि वो तो कुछ बोलते ही नहीं। तब राम जी ने कहा, यदि किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके सर के पास नहीं, बल्कि उसके चरणों के पास हाथ जोड़कर खड़े होना चाहिए। ये बात सुनकर लक्ष्मण जी वापस गए और रावण के चरणों के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। रावण ने लक्ष्मण जी को अपने चरणों के पास खड़ा देखकर तीन जरूरी सीक्रेट बातें बताई, जो कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में सफल बना सकती है, और ये नियम आज भी बिल्कुल सटीक बैठता है। पहला सीक्रेट बताते हुए रावण ने कहा, शुभस्य शीघ्रम, यानी हमें अच्छा काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लेना चाहिए। मैं प्रभु श्री राम को पहचान नहीं पाया, जिस वजह से समय रहते उनकी शरण में नहीं आ पाया, जिस वजह से आज मेरी ये दशा हो गई। दूसरा सीक्रेट बताते हुए रावण ने कहा कि अपने दुश्मन को कभी भी खुद से छोटा मत समझो। मैंने भी यही भूल की, जिन्हें मैं मामूली वानर और भालू समझकर हंस रहा था, उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया और मेरी सोने की लंका जला दी। जब मैंने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था, तब उनसे कहा था कि मुझे ऐसा वरदान दो जिससे मुझे कोई नहीं मार पाए सिवाय बंदरों और इंसानों के, क्योंकि मैं मानता था कि बंदर और इंसान मेरा बाल भी नहीं बाका कर सकते, जो कि मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तीसरा सीक्रेट बताते हुए रावण ने कहा कि अपनी जिंदगी से जुड़ी खुफिया और महत्वपूर्ण बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। मैंने विभीषण को अपना भाई समझकर मेरी मृत्यु का राज बताया था, जो मेरी सबसे बड़ी भूल थी, और यही भूल मेरी मौत का कारण बनी। रावण की बताई गई इन सभी बातों से हमें एक गजब की सीख मिलती है, वो ये कि अगर आदमी में अहंकार आ जाए तो चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, रावण की तरह गलतियां कर ही बैठता है, जिसका परिणाम उसे और उसके साथ जुड़े हुए लोगों को भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ।